सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मिस्टर ए2 गैरेज। और भाई आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है हमारा एप्पल कारप्ले, हाउ टू कनेक्ट एप्पल कारप्ले इन किया सेल्टोस। सो गाइज जैसा कि सबका यूआई ऑलमोस्ट सेम है, होंडा की क्रेटा जो आती है उसका भी सेम इंटरफेस देखने को मिलता है, कुछ इसी से मिलता जुलता, और उसकी वेन्यू भी आती है उसमें भी सेम है, और जो किया की सोनेट आती है उसमें भी आपको सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। तो सबका प्रोसेस सबका सेम होने वाला है। सो गाइज स्टार्ट करते हैं हाउ टू कनेक्ट एप्पल कारप्ले इन कियाज एंड हुंडई कार। ओके, फर्स्ट स्टेप होने वाला है वो हमारा है ब्लूटूथ कनेक्शन। आपको सेटिंग में जाके आपको ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करना पड़ेगा। डिवाइस कनेक्शन पे जाके ब्लूटूथ कनेक्शन एड न्यू पे टैप करेंगे, ओके पे टैप कर देंगे, और फिर इधर ये 5 परमिशंस आती हैं, इनको आप अलाउ कर देंगे लाइक दिस। और फिर आपको अपना फोन खोल लेना है, ये है मेरा iPhone 13। सो गाइज मैंने सेटिंग में जाके अपना खोल लिया है, और मैंने यहाँ पे देखो अग्रवाल्स की सेल्टोस आ रहा है, और इस पर मैंने टैप कर दिया, और ये पास की मांग रहा है, और इसको हम पेयर कर देंगे लाइक दिस। ओके, और इस बार आ रहा है अलाउ कॉन्टेक्ट्स एंड फेवरेट सिंग्स। ओके अलाउ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो आईफोन कनेक्टिंग मोबाइल डिवाइस आ रहा है, कन्फर्म ब्लूटूथ इज एक्टिवेट और न्यू डिवाइस। ओके इधर ऑप्शन आ चुका है हमारे पास यूज एप्पल कारप्ले का, यूज कारप्ले पर टैप करेंगे। इधर भी एक परमिशन की नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो आप उसको इस पे यस पे टैप कर देना है, और आईफोन कनेक्टिंग टू द एप्पल कारप्ले। और इधर भी कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, आपको इसको नेक्स्ट कर देना है, ओके कर देना है। और भाई देखो कितना इजी एंड सिंपल टू यूज था भाई, इसका यूआई देखो कितना सॉलिड है भाई। सो गाइस इसमें आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं, फोन म्यूजिक मैप्स मैसेजेस नॉट प्लेइंग किया पे जाते ही आप वन टच स्विच है, आप इसके इंटरफेस पे आ जाएंगे किया के, और इधर से जाके आप एप्पल कारप्ले पे स्विच हो जाएंगे। पॉडकास्ट ऑडियो बुक्स कैलेंडर सेटिंग्स गूगल मैप्स स्पॉटिफाई टेलीग्राम व्हाट्सएप, ये सब कुछ इतना स्मूथली चलता है ना, मजा आ जाता है भाई एक्सपीरियंस करके, मतलब। और भाई देखो कितना सॉलिड लगता है, एंड्रॉइड ऑटो से भी ज्यादा इसका अच्छा इंटरफेस है भाई, काफी ज्यादा प्रीमियम फील कराता है भाई। प्रीमियम फोन्स हैं तो प्रीमियम इंटरफेस ही होगा, साफ सी बात है भाई, कुछ ज्यादा ही सॉलिड लगता है। और भाई इधर सेटिंग में चले जाते हैं, सेटिंग में जाके आप इसके वॉलपेपर्स वगैरह भी सेट कर सकते हैं, ये ऑलवेज ऑटोमेटिक वगैरह अपीयरेंस का है। ये वॉलपेपर्स हैं, इधर कुछ इस तरीके के वॉलपेपर्स देखने को मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे हैं। और इधर आपको सिरी का वो मिल जाता है वन टच असिस्ट, और ये देखो सिरी एक्टिवेट हो गई है, वन टच असिस्ट है। आप इधर से कुछ भी बोल के आप अपनी वॉइस कमांड दे सकते हैं। इधर माइक होता है, ये माइक की प्लेसमेंट इधर दे रखी होती है, काफी ज्यादा यूनिक फीचर है। सो गाइस ये थी कुछ एप्पल कार प्ले के ऊपर वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और हाँ भाई अगर किसी ने एंड्रॉइड ऑटो वाली वीडियो ना देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे भी विजिट कर लें अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।